हे गाइस गुड मॉर्निंग यार, आज है मेरा प्रैक्टिकल नंबर 2। तो चलते हैं, सबसे पहले तैयार होते हैं और उसके बाद हम रेपिडो करके चलेंगे डायरेक्ट कॉलेज। सो गाइस, सबसे पहले फिर सोके करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद चलते हैं हम रेपिडो बुक करके कॉलेज। रेपिडो वाले भैया टाइम पर आ गए थे और फिर मैं जल्दी से बाइक में बैठ करके निकल गया अपने कॉलेज के लिए। सो गाइस, मुझे लग गए 20 से 25 मिनट कॉलेज पहुंचते पहुंचते और अब चलते हैं कॉलेज के अंदर। सो गाइस, अब मैं जा रहा हूं डिपार्टमेंट के अंदर और अब देखते हैं हमारी क्लासेस कहां पर लगी हैं। क्या ऊपर नहीं है क्या? ऊपर सुबह इस क्लास पहुंच कर देखा तो वहां पर सिर्फ 4 से 5 बच्चे बैठे हुए थे और पूरी की पूरी क्लास खाली थी। और तभी मेरी नजर पड़ी मेरे फ्रेंड के ऊपर। सुबह इस फ्रेंड्स आने स्टार्ट हो चुके हैं और अब सब बैठते अपने अपनी जगह पर और फिर मिलते हैं हम एग्जाम के बाद। यहाँ पर है तेरा, मेरा यहाँ पे है। दो बजा दिए एक्सटर्नल ने आते आते। सो गाइस, ये है मेरे फ्रेंड का मोबाइल और जिस मोबाइल से वीडियो बन रही है वो है मेरा मोबाइल। अब रखते हैं इन दोनों को बैग के अंदर और फिर चलते हम एग्जाम देने। सो गाइस, यहाँ पर चल रहा है वाइवा। मैं अभी जस्ट वाइवा देकर बाहर निकला और अब देखते हैं कितने सारे बच्चे बचे हुए हैं अभी भी। हो गया? हाँ भाई, कैसा रहा आपका प्रैक्टिकल? एक क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ। जो भी मैंने ही बताया था CSM। बस उन्होंने इतना अच्छे से बोला कि जाओ बेटा, अच्छा सुनाया। अरे बहुत ऐसा बोला बराबर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा ऐसा बोला एक ही क्वेश्चन। और भाई तुमने क्या पढ़ा? कैसा रहा तुम्हारा प्रैक्टिकल? अच्छा रहा? पता था कि मैंने जो बोला था वो मैंने बता दिया। उन्होंने ऐसा कॉम्प्लीमेंट तो दिया नहीं। हाँ, कॉम्प्लीमेंट दिया। मेरे को लग रहा है या उनको नहीं आता था या फिर जो मैंने बोला वो सेटिस्फाई। और मेरी बातें शायद उनको समझ में नहीं आई। अच्छा, ऐसी बातें क्या करो कि हाँ बच्चा सही तो बोल ही रहा, मुझे नहीं पता था क्या हुआ। घबराते। अब करते हैं भाई लंच और फिर चलते हैं घर। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ कॉलेज से घर वापस और अब करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।